बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर देखभाल और नवीनता की परंपरा वाला एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है, जो इस हॉस्पिटल को मध्य भारत के मरीजों के लिए वरदान बनाता है। क्रिटिकल मरीजों का इलाज करने वाले वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर ने सफलतापूर्वक एक यूनिक हार्ट सर्जरी की है। मध्य प्रदेश के इटारसी की रहने वाली 36 वर्षीय महिला फूलवती कुकरे को सीने में दर्द घबराहट होने लगी। वह मूल्यांकन के लिए वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर आई। ओपीडी में जांच करने पर उसके हृदय की धड़कनें एबनॉर्मल पाई गई, इसलिए इको टेस्ट करने की सलाह दी गई। उनकी जांच डॉक्टर अक्षर सिंह कंसल्टेंट कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी और डॉक्टर अमी अंबेडकर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा की गई। इको टेस्ट करने पर पता चला कि बचपन से ही उसके हृदय में छेद था और उसके मार्टल वॉल्व का आकार भी छोटा हो गया था। चूंकि हृदय में छेद था और वॉल्व भी सिकुड़ गया था, इसलिए डॉक्टर अक्षय सिंह और डॉक्टर अमित बिड़कर ने छेद को बंद करने और वॉल्व बदलने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी करने का फैसला किया। डॉक्टर अक्षय सिंह कंसल्टेंट कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी वोकार्ट हॉस्पिटल नागपुर ने कहा कि चूंकि उनकी मेडिकल समस्या लंबे समय से थी, उनके बाय आलिंद यानी हृदय का वह हिस्सा जहां वॉल्व को ठीक करने की आवश्यकता होती है, वह आकार में छोटा पाया गया, इसलिए मरीज की नोवेल प्रक्रिया बायोचिमनी से सर्जरी की गई, जिससे एक फ्लोटिंग वॉल्व बनता है। सर्जरी के बाद मरीज के लक्षण पूरी तरह से दूर हो गए और अब वह ठीक है। मैं इटारसी की हूँ और मेरे लक्षण ये थे कि मेरी सांस फूलना, घबराहट होना और कुछ काम नहीं बनना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये सब मेरे लक्षण थे। उसके एक साल पहले मैंने भोपाल में जैसे बताया था ट्रीटमेंट कराया था नोवल हॉस्पिटल में, लेकिन इसी चीज़ का रिपोर्ट आई थी, लेकिन मेरे को पूरी बीमारी कभी नहीं बताई थी। ये बोला था कि आपके हार्ट में सुखड़ापन है, मगर ये नहीं बोला था कि मेरे हार्ट में छेद भी है। एक साल मैंने इलाज कराया वहाँ पर, एक साल इलाज कराने के बाद मेरी बीमारी बढ़ी है, ना कि कम हुई है। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ शब्द भी नहीं है सर, मैं क्या बोलूँ। ऑपरेशन के बाद अभी एक महीना हो गया, मैं मेरे खुशी तो आप खुद ही देख सकते हो, मैं बोलने शब्द में क्या बयान करूँगा। पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ सर मैं, अब मैं खुल के बैठ पा रही हूँ, चार दिन में बात कर पा रही हूँ। मैं इतनी घबरा जाती थी कि जैसे ज़्यादा कोई देख के भी, मैं घबराहट इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, हाथ पैर कपने लगते थे मेरे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी घबराहट होती थी मुझे। आपको बताया इसमें हार्ट फेलियर और हार्ट फेल जाना है, मतलब साइज बड़ा हो जाना हार्ट के, इन सब के फ्यूचर में प्रॉब्लम होते हैं। तो कंसीडरिंग ऑल दोज पॉसिबिलिटीज हमने सोचा कि इनको हमें ऑप्शन देना पड़ेगा सर्जरी का। तो सर्जरी थी ASD क्लोजर और ओपन हार्ट सर्जरी में मिट्रल वेल रिप्लेसमेंट। सो इस केस में हमें पता था कि वेल बहुत सिकुड़ा हुआ है, उसका एरिया बहुत कम है, तो हमने मिल बैठ के ये मेजर प्रोसीजर प्लान किया, जिसको बोलते हैं काफ़ी नोवेल टेक्निक है, इसका नाम है बायोचिमनी MVR। तो बायो का वर्ड है बायोप्रोसेटिक वेल, जो हमने यूज़ किया है इनमें 25 mm साइज़ का, जो नॉर्मली MVR में पॉसिबल नहीं था क्योंकि एरिया उनका बहुत सिकड़ा हुआ था। और चिमनी का मतलब है जो हमने फनल या यूज़ किया है वेल को हवा में रखने के लिए। तो सादी भाषा में अगर बोला जाए तो इट्स अ फ्लोटिंग वेल, वेल हवा में है, और क्योंकि एरिया छोटा था तो हम उसको डायरेक्ट उसकी पोजिशन पर नहीं लगा पाए। तो ये पहली सर्जरी ना ही नागपुर में होगी मुझे लगता है इस पेशेंट में, इस तरह के पेशेंट्स में जो हमने किया है। इसका विवरण तो अभी यूरोपियन जर्नल्स और बाहर के जर्नल्स में भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि ये पहली सर्जरी हो इस दुनिया की इस तरह के पेशेंट में। जो बेसिकली ये सिंड्रोम है इनको, उसको लुटेनबाकर सिंड्रोम बोलते हैं। तो लुटेनबाकर सिंड्रोम विथ स्मॉल माइट्रल एनुलस, मतलब कि छोटा एरिया होना वेल का, और जिसमें हमने बायोचिमनी MVR किया है, ये पहली सर्जरी हो सकती है इस दुनिया की। डॉक्टर अक्षय सिंह और डॉक्टर अमी अंबेडकर ने बायोचिमनी MVR और ASD क्लोजर के बारे में कुछ जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि नई बायोचिमनी तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें मरीज के लिए उचित आकार के बायोप्रोस्थेटिक वॉल को पॉलिएस्टर वेस्कुलर ग्राफ से सिल दिया जाता है, जिसे बाद में एक वयस्क मरीज के मूल नैरो माइट्रल एनलस में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसके शुरुआती परिणाम आशाजनक होते हैं। माइट्रल वॉल की रिपेयर और माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट या हृदय सर्जरी के प्रकार है, जो लीक हुए या सिकुड़े हुए माइट्रल वॉल को ठीक करते हैं या रिप्लेस करते हैं। माइट्रल वॉल उन चार हृदय वॉल्वों में से एक है जो हृदय में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह हृदय के ऊपरी और निचले बाह्य कक्षों के बीच स्थित होता है। माइट्रल वॉल रिपेयर और माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट ओपन हार्ट सर्जरी या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के रूप में किया जा सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।